जिस तरह से सरकार दबाने का काम कर रही है गांव के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, एक बार फिर देश में आंदोलन करने पड़ेंगे, आंदोलन शुरू होंगे। फिर हम सब किसानों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, गांव के लोगों को, मजदूरों को इकट्ठा होना पड़ेगा, उन भूमिहीन किसानों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, उन दुकानदारों को, उन रिक्शा चालकों को, वहां पे अपनी बात मजबूती से, गांव के गरीब किसान आदिवासी दुकानदार की बात वहां पे मजबूती से उठना चाहिए। जो आप बोलोगे वो बाहर दिखाई देगा जनता में। सब लोग तैयार हैं, एक देश में फिर एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। जिस तरह से सरकार दबाने का काम कर रही है गांव के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, एक बार फिर देश में आंदोलन करने पड़ेंगे अपनी जांच डिमांड को लेकर। आंदोलन शुरू होंगे फिर। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन नहीं करते? उनको दिल्ली में देख लो, जहां पे भी विपक्ष की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मौजूदा सरकार में लोग हैं, वे वहां पे पूरे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, न्यूसेंस करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम सब किसानों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, गांव के लोगों को, मजदूरों को इकट्ठा होना पड़ेगा, उन भूमिहीन किसानों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, उन दुकानदारों को, उन रिक्शा चालकों को, जिनको गरीब कहते हैं, सरकार की नजरों में जो गरीब हैं, अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी। चाहे वो बच्चे नीट के पेपर वाले बच्चे हो, इस देश में फिर आंदोलन होगा। जो लोग हमारे नए मेंबर पार्लियामेंट चुन के गए हैं, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं भेजा उनको वहां पे, आपको भेजा है देश की जनता ने। ये जो चुनाव था, ये चुनाव भारत सरकार वर्सेस देश की जनता लड़ रही थी। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाउस में भी आप आवाज हाउस में उठाओगे तो बाहर जनता आपका साथ देगी। एक बारिश हुई, पूरी सड़कें वहां की धस गई, क्या उसकी जवाबदेही किसी की नहीं है? बिजली का एक अत्याचार पूरे देश भर में किसानों के, गांव के ऊपर हो रहा है, क्या वो दिखाई नहीं देता? ये सारे मुद्दे वे हैं जो हाउस में उठने चाहिए। ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि आज दूसरा दिन पार्लियामेंट का है, वहां पे अपनी बात मजबूती से, गांव के गरीब किसान आदिवासी दुकानदार की बात वहां पे मजबूती से उठना चाहिए। जो आप बोलोगे वो बाहर दिखाई देगा जनता में, आप नहीं बोलोगे तो जनता आपसे जवाब लेगी। आप आवाज दोगे या देश की जनता विपक्ष की तरफ देख रही है, आप मजबूती से वहां पर लड़ाई लड़े। बाहर किसान, दुकानदार, महिलाएं, बच्चे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो ये मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी है, ये विधायकों के लिए भी है, ये जो भी जनप्रतिनिधि है उनके लिए भी है, और जो आम लोग आंदोलनकारी है ये उनके लिए भी है। सब लोग तैयार हैं, एक देश में फिर एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।